प्यारे दर्शकों नमस्कार, मैं अपने चैनल शुक्ला ट्रैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो है कि किस तरह रोटावेटर चलाया जाए कि हमारा ट्रैक्टर तेल कम खाए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तेल इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि रोटावेटर किस तरह चलाया जाए हमारा ट्रैक्टर तेल कम खाए। ये बहुत लोग सोचते हैं कि तेल कम खाए लेकिन ये नहीं जान पाते किस तरह चलाना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि रोटावेटर किस तरह चलाया जाए कि 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटा तेल बचाया जा सकता है। अगर ये ध्यान में रखा जाए तो 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटा तेल की बचत किया जा सकता है। मैं आपको कई इसमें बिंदु पर ध्यान दूंगा कि ये बिंदु को ध्यान रखा जाए तो 1 से 1.5 लीटर तेल की बचत की जा सकती है। देखिए रोटावेटर लगा हुआ, ये शक्तिमान का रोटावेटर है। देखिए ये देखिए इसमें महत्वपूर्ण 5 बिंदु होती है जिसको ध्यान में रखा जाए। सर्वप्रथम होता है रोटावेटर का चयन। रोटावेटर कंपनी का चयन महत्वपूर्ण होता है। अगर सही रोटावेटर कंपनी का चयन किया गया तो रोटावेटर हमारा 1 से 1.5 लीटर तेल बचत किया कर सकता है। देखिए ये जो शक्तिमान का रोटावेटर होता है इसमें जो बैरिंग लगी होती है बहुत हल्का रोटावेटर चलता है। जो रोटावेटर चला चुके हमारे प्यारे दर्शकों देखेंगे कि रोटावेटर जो शक्तिमान का रोटावेटर चलाते हैं वो अगर अदर रोटावेटर चलाते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए इस रोटावेटर में जो बैरिंग लगी होती है बहुत हल्की चलता है रोटावेटर। ट्रैक्टर पर बहुत कम लोड पड़ता है, ये ट्रैक्टर पर बहुत कम लोड पड़ता है। और दूसरा महत्वपूर्ण योगदान होता है कि रोटावेटर किस तरह चलाया जाए। बहुत लोगों को यह नहीं पता होता है कि रोटावेटर का ब्लेड अगर नया है तो टापरिंग किस तरह कसना चाहिए। अगर रोटावेटर का ब्लेड नया लगा हुआ है तो टापरिंग किस तरह कसना चाहिए। देखिए ये जो टापरिंग होती है इस टापरिंग का तेल के खपत पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर रोटावेटर की टापरिंग शुद्ध नहीं कसी गई तो 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटा की तेल अधिक मात्रा में ट्रैक्टर खाएगा हमारा। देखिए हमारा जो ट्रैक्टर है ये 5 से 5.5 लीटर प्रति घंटा तेल खाता है। अदर जो चलाते कहते हैं 6 लीटर हमारा खा गया, हमारा 7 लीटर खा गया, बहुत लोगों का 8-8 लीटर प्रति घंटा खा जाता है। जो सही रोटावेटर का चयन नहीं कर पाते हैं और चलाने की शुद्धता उनको नहीं पता है तो 1-1.5 लीटर प्रति घंटा अधिक तेल खपत करते हैं। देखिए ये जो टापलिंग होती है इसको शुद्धता कसना चाहिए। अगर हमारा रोटावेटर नया है तो इस टापलिंग को कम कसना चाहिए। रोटावेटर का अगला हिस्सा बराबर में रहना चाहिए। अगर हमारा रोटावेटर का ब्लेड कम हो गया है तो टापलिंग को थोड़ा अधिक कस दे, अगर बहुत कम हो गया तो और कसे। अगर ये शुद्धता अगर बनाए रखते हैं तो रोटावेटर हमारा तेल ट्रैक्टर हमारा तेल कम खाएगा। रोटावेटर के लोड पे कम पड़ेगा, अगर लोड कम पड़ेगा तो तेल कम खाएगा। ये बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। रोटावेटर में बैरिंग में आयल रखना बहुत जरूरी है। अगर आयल नहीं रहेगा रोटावेटर के बैरिंग में, बैरिंग दबाव पे लेकर चलेगी, दबाव लेकर चलेगी तो ट्रैक्टर तेल अधिक खाएगा। इसलिए क्रास पे ग्रीसिंग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रास ग्रीस नहीं रहेगा, क्रास दबाव मोड़ पे दबाव लेगा तो अगर मोड़ पे ट्रैक्टर बैठ के चलेगा तो तेल अधिक मात्रा में उठाएगा। अगर हमारा ट्रैक्टर मोड़ पे भी नहीं बैठता है तो तेल की मात्रा उसके बराबर रखा गया मेंटेनिश। अगर 5 से 5.5 लीटर तेल हमारा प्रति घंटा खाता है, नरम है तो 5.5 जाता, नहीं तो 5 लीटर प्रति घंटा तेल हमारा ट्रैक्टर खाता है। हम इस सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के ही ट्रैक्टर चलाते हैं। देखिए मेरे साफ में हम प्रतिदिन ग्रीस करता हूँ, टापिंग ग्रीस करता हूँ, आयल प्रतिदिन देखता हूँ, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान रखता हूँ। और ट्रैक्टर चलाते समय हमें एक चीज़ का और बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है ट्रैक्टर डीजल खपत पे। ये आपको मैं रोटावेटर के बारे में बता दिया कि रोटावेटर क्या होता है। रोटावेटर का कार्य होता है जुताई, खेत को महीन करना, और इसमें 48 ब्लेड लगे होते हैं। ये रोटावेटर जो पहली बार रोटावेटर का देख रहे हैं वीडियो, वो देखेंगे कि इसमें कितना वीडियो क्या होता है। रोटावेटर का कार्य यही होता है कि मिट्टी को जुताई कर गहरी के साथ मिट्टी को महीन करके बराबर खार फूस वाले खेत की, ये रोटावेटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है खार फूस वाले खेत को। अगर बड़े बड़े खर लगे उसमें एक बार में जुताई में सब खर को नष्ट कर देता है, इसलिए रोटावेटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें 48 ब्लेड होते हैं। ब्लेड के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि रोटावेटर का साइज 2 मीटर का होता है। देखिए ये शक्तिमान का रोटावेटर है। अगर रोटावेटर में इस 4 बिंदु का ध्यान रखा जाए, इस तावे को भी बराबर मेंटेनेंस करके रखा जाए तो हमारा गाड़ी डीजल बचत किया जा सकता है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान और होता है जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत होता है, जानना ड्राइवर को बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए लीवर, ये जो लीवर देखिए 2 लीवर होते हैं यहाँ पे, ये ट्रैक्टर में जो दो लीवर लगे होते हैं इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये जो लाल होता है, लाल हर जो DCA होता है इसको मेंटेनेंस रखना बहुत जरूरी होता है। इसको सीमित एक जगह स्थान पे इसको सीमित, देखिए ये जो लगा होता है, देखिए ये देखिए इस पर लॉक लगा होता है। देखिए इसको लॉक को बना के रखना चाहिए। देखिए ये लॉक
हम लॉक कर देंगे। देखिए ये हमारा मीडियम में करके मैं इसे लॉक कर दिया। अब पीसी से अपना काम लेता हूँ। ये पीसी का काम होता है हर समय नीचे ऊपर करना। अगर मैं गीला खेत है मोड़ पे हूँ तो हल्का उठा देंगे, अगर मैं स्पीड में शुद्धता खेत चल रहा है तो एक बराबर रखूंगा। लेकिन वो लाल का होता है, अगर लाल मैं बराबर नहीं रखूंगा तो गाड़ी हर समय लोड पर चलेगी, और गाड़ी जब लोड पे चलेगी तो हमारा डीजल अधिक खाएगी। इसलिए मैं लाल लीवर को एक समय सीमित करके और दूसरे को मैं एक जगह उठाने नीचे ऊपर करने के लिए रखता हूँ। देखिए और एक चीज और होता है, गाड़ी डीजल खपत पे एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर में और योगदान होता है। देखिए एक्सीलेटर का चयन, अगर बहुत लोग एक्सीलेटर नहीं जान पाते कितने एक्सीलेटर पे चलाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 16 से 17 एम्पियर पे ही गाड़ी चलाना चाहिए। अगर 16 एम्पियर पे गाड़ी चला रहे हो आप तो आपका डीजल बचत करेगी गाड़ी। अगर वही 18 कर दोगे, 19 कर दोगे तो डीजल अधिक खाएगी। अगर वही एम्पियर घटा के आप 14-12 पे चलाओगे तो भी गाड़ी लोड पे चलेगी, अधिक डीजल खाएगी। इसलिए हमें 16 एम्पियर पर स्वराज 744 गाड़ी होती है, जो ये स्वराज 744 गाड़ी पर अगर रोटावेटर चला रहे हो आप तो 16 एम्पियर पे ही गाड़ी चलाते हो तो आपको डीजल बचत किया जा सकता है। देखिए डीजल बचत के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने आपका ध्यान दिया हूँ, अगर इस महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखा जाए तो 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटा की डीजल बचत किया जा सकता है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो और आपके पास नए नए वीडियो जा सकते हैं। जय हिंद, बहुत धन्यवाद।